बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा, आप लोगों को लास्ट टाइम चैप्टर 8 करवाया था, और इसके बाद जो है वो आपके न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर 8, न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 14 आपका, वर्क पावर एंड एनर्जी। लास्ट टाइम दो न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास में सॉल्व करने के लिए दिए थे, बिल्कुल सिंपल आसान से न्यूमेरिकल्स थे। अब इसके बाद जो है वो आपके बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाले 8.1 और 8.2 न्यूमेरिकल जो है आपका, वो आप लोग अभी सॉल्व करेंगे क्लास में। जब जो है मैं आपको ये पूरा न्यूमेरिकल करवा दूंगा, तो इसके बाद जो है वो आपको 8.1 और 8.2 अभी क्लास में सॉल्व करने के लिए दूंगा। इसलिए एक्टिव रहिएगा पहली बात तो, और दूसरा फिर इसको जो है वो ध्यान से समझ लें। न्यूमेरिकल नंबर 8.3 है आपका, विथ वॉट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैन अ 1960 वॉट मोटर, यानी 1960 वॉट मोटर रेज अ मास ऑफ 1100 kg। देखिए बेटा, वो बोलना है कि क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी कि अगर एक मोटर है, सही है, उसका उसकी पावर है 1960 वॉट और उसका मास है आपका 100 kg, तो कितनी वेलोसिटी से वो उस वेट को लिफ्ट करेगी, रेस करेगी, सही है। किस वेलोसिटी से जो है वो मोटर आपके उस मास को रेस करेगी, तो इसके लिए आप लोगों के पास डेटा बना हुआ है कि पहले आप लोगों के पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपकी गिवन है, क्वेश्चन आपका वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, पावर आपकी 1960 वॉट है, मास आपका 100 kg है और ग्रेविटी आपकी 10 है, सही है। तो ग्रेविटी बेटा 9.8 रखें या 10 रखें, आपका आंसर सेम आएगा। कोशिश यही करिएगा कि 9.8 ही रखें, सही है। ये इन्होंने 10 राउंड ऑफ कर दिए, तो अगर आप लोगों के पास राउंड ऑफ करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ हो, अगर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल के अंदर ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको ग्रेविटी 10 रखनी है राउंड ऑफ करके, तब तो आप रखेंगे 10। बट अगर उन्होंने इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपको जो है वो 10 रखनी है, तो तब आप इन डैट केस अपनी वही ग्रेविटी रखेंगे जो आपकी स्टैंडर्ड ग्रेविटी होती है, और वो है 9.8। तो बेटा यहाँ पर फोर्स है आपके पास mg। अब जो इसमें इस डेटा के अकॉर्डिंगली आप फार्मूला लगाएंगे, तो बेटा सबसे पहले तो जो है आपको फोर्स निकालनी होगी, सही है। तो फोर्स आपके पास होती है F इज इक्वल टू mg अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। तो F आपका mg के बराबर हो गया। अब देखें, फोर्स है, मास की जगह आपने 100 रखा, ग्रेविटी की जगह आपने 10 रखा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आपकी कितनी आ गई, 1000 न्यूटन। अब ये आपकी हो गई फोर्स 1000 न्यूटन। अब जब आपके पास फोर्स आ गई, तो आप अपनी पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, पी इज इक्वल टू एफ वी, सही है, पी इज इक्वल टू एफ वी हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। अब बेटा आपको क्योंकि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो F यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देख रहे हैं F, F यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर V लिखा हुआ है, वरना F आएगा यहां पर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P अपॉन F, ठीक है। तो वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन F, और पावर आपकी क्या है, 1960। जब आप इसको F की वैल्यू से, यानी जो F की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, इस F की वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे, तो 1960 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी 1.96 मीटर पर सेकंड, और ये आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी इस न्यूमेरिकल के अंदर। सेकंड है आपका, अ बॉय ऑफ मास 50 kg और मोटर बाइक इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, वॉट इज हिज काइनेटिक एनर्जी। एक बॉय है जिसका मास 50 kg है, वह मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी। तो बेटा इसके अंदर आपके पास मास गिवन है 50 kg,
वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, 1/2 mv². तो यहां पर 1/2 m की जगह आपका आ जाएगा मास, वी स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा 20। अब इसके बाद आप लोग बेटा देखें, इन्होंने 1/2 को पहले 50 से डिवाइड करवा दिया है। तो जब आप 2 को 50 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। और जब आप लोग 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। 400 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर आ गया 10,000 जूल्स। तो ये आप लोगों के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? ईमान और अलिश्मा, बेटा अभी मैंने कहा था क्लास के स्टार्टिंग में ही कि आप लोगों को एक्टिव रहना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स एक दो आपको अभी सॉल्व करने है क्लास में। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 200 न्यूटन व्हेन लिफ्टेड 50 मीटर स्ट्रेट अप। अब देखिए बेटा, एक पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है कार की जिसका वेट आपका 200 न्यूटन है और उसको लिफ्ट किया जा रहा है 50 मीटर पर, ठीक है, स्ट्रेट अप लिफ्टेड हो रही है वो। तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों का इस पर फॉर्मूला लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वेट है इसका 2000 न्यूटन और लिफ्टेड हो रही है 50 मीटर स्ट्रेट अप। तो ये हो गया आपका, सॉरी ये बेटा ये 50 नहीं है, मिसप्रिंटिंग है, 5 मीटर है। तो हाइट हो गई आपकी 5 मीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लोग अपना फार्मूला लगाएंगे, W मल्टीप्लाई बाय एच, सही है। देखें वेट आप लोगों को दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का अपना फार्मूला जो होता है वो होता है आपका P इज इक्वल टू एम जी एच, सही है। बट एम जी की जगह पर आप W पुट करेंगे, क्योंकि एम जी खुद किसके बराबर होता है, W के। ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 7 जो पढ़ा था उसमें हमने वेट का फार्मूला पढ़ा था, वेट किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू एम जी। चैप्टर 4 में भी ये टॉपिक था। तो उस एम जी की जगह पर आप लोग अपना वेट लगाएंगे, तो वेट आपका हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर 2000 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 10,000 जूल्स। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000 जूल्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हाउ मच वर्क इज डन बाय ऑन द बॉक्स। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है इसमें सारे, तो ये किसी की भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलना है कि एक बॉक्स है जिसको हम पुश कर रहे हैं 5 मीटर एक लेवल सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब है कि फोर्स आपकी अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है, यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रही है उसको हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है आपकी 200 न्यूटन के बराबर, तो हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स, उस बॉक्स में जो है वो आपका कितना वर्क डन हो रहा है। तो आप लोगों के पास डिस्टेंस है आपका 5 मीटर, फोर्स है आपकी 200 न्यूटन और वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट एस के, ठीक है, वर्क डन आपका बराबर होगा एफ डॉट एस के, जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है और इसी में बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो W इज इक्वल टू एफ एस हो गया,
डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस हो गया। अच्छा देखें, अब यहाँ पर इन्होंने एंगल नहीं दिया हुआ, ठीक है, वरना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास एंगल गिवन नहीं है, तो आपको जो है वो कॉस थीटा वाला फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो फिर एंगल काउंट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस है, और अगर एंगल गिवन ना भी हो तब भी ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर एंगल गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि फोर्स के दरमियान में और ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसके दरमियान का एंगल जीरो डिग्री है। क्योंकि बेटा अगर कॉस थीटा जीरो डिग्री के बराबर होगा तो कॉस जीरो बराबर होता है वन के, तो इन डैट केस आपका फार्मूला वैसे ही जो है वो रिड्यूस होकर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस हो जाता है। तो अगर आपका एंगल गिवन ना भी हो तो फिर इन डैट केस आपका एंगल जो होगा वो जीरो डिग्री काउंट होगा। तो यहाँ पर आपको इसी वजह से जीरो डिग्री होने की वजह से एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, तो डब्ल्यू आपका बराबर हो जाएगा एफ डॉट एस के। एफ आपका है 200 न्यूटन, एस है आपका 5, डब्ल्यू आपका कितना हो गया 1000 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 केजी कार ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक काइनेटिक एनर्जी पता करनी है ऑब्जेक्ट की। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, जो फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 8.4 में इस्तेमाल हो रहा है वही फार्मूला जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 8.6 में भी इस्तेमाल होगा, 7 में भी इस्तेमाल होगा सॉरी, लेकिन जो है बस इसमें वेलोसिटी में कुछ कन्वर्जन करनी है, तो वो आपको समझाना है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपना। मास है आपका 200 केजी, वेलोसिटी है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप लोग जो है वो 90 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर आपका कितना हो जाएगा 1000, और डिवाइडेड बाय आवर। आवर क्या है आपका, देखिए बेटा यहाँ पर वेलोसिटी जो है इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड वेलोसिटी होनी चाहिए, वो आपकी मीटर पर सेकेंड के अंदर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है किलोमीटर पर आवर के अंदर है। तो आपको जो है वो अपनी वेलोसिटी में पहले तो चेंजेस करनी है, और वो चेंजेस किस तरीके से होंगी कि 90 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी कोई किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है डिवाइडेड बाय आर, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है आवर को। तो बेटा एक आवर में जो है वो कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो 60 को जब आप लोग 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, और दोनों के जीरोस को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3600। तो एक आवर में कितने सेकंड हो गए 3600, इसको कैलकुलेटर में रख के आप लोग पुट करके डिवाइड करवाएंगे तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एज इट इज, मास की जगह आपने क्या रखा 200, वी स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा 25 जो आपने फाइंड आउट किया था। अब 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 625। अब 1000 को जब आप लोग 625 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 66,25,000, यानी 625,000 इसका जो है वो काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप पॉइंट को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, सही है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए रूल होता है कि हमें सबसे पहले तो डेसिमल प्लेस देखनी होती है कि डेसिमल किस जगह पर है। अब देखें डेसिमल बिल्कुल एंड में है, तो अगर कहीं पर भी डेसिमल आपको नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप कंसिडर करेंगे कि आपका डेसिमल बिल्कुल एंड में है। तो अगर आपका डेसिमल जो है वो बिल्कुल एंड में है, ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 625,000, तो डेसिमल जब आपका एंड में होगा और आपको इसको डेसिमल उसमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप अपने पॉइंट को कितने डिजिट
पांच डिजिट पीछे लेकर आ जाएंगे। सही है, अब अपने पॉइंट को पांच डिजिट पीछे कर लेंगे। और जब आप उसको पांच डिजिट पीछे करेंगे तो आपको बताया था कि पॉइंट जब भी बैकवर्ड मूव होता है तो उसकी पावर जो होती है वो ऐड होती है। एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है वो पावर क्या होती है, ऐड हो रही होती है। सही है, तो ये पावर हो जाएगी आपकी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10^5 जूल्स। क्लियर है बात? और समीरा इतना लेट आपने क्लास ज्वाइन की है? समीरा सॉरी सर, नाश्ता कर रही थी। सर बेटा, ये काम पहले भी हो सकता है या बाद में भी, 40 मिनट्स की तो क्लास होती है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों के पास 8.7 के न्यूमेरिकल ये वाला एंड हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल है आपका 8.8, और 8.8 में बेटा 8.8 की वर्किंग सारी ये वाली करेंगे, जो पेन से वर्किंग है इसको मत करिएगा, ठीक है? ये वाली वर्किंग भी आपकी कंप्लीट है पूरी। तो एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। देखिए वो बोलना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है। सही है, और वो गिरता है कितने फासले से, 10 मीटर के फासले से। यानी वो एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट 10 न्यूटन है वो ऑब्वियसली किसी जगह पर लटका हुआ है, किसी हाइट पर। और ये जो 10 डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, वो बेसिकली उसकी हाइट है कि वो 10 मीटर के फासले से नीचे की तरफ गिर रहा है। वॉट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब वो नीचे ग्राउंड से टकराने वाला होगा तो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये पता करना है कि टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी जब वो जो है वो आपका टकराने वाला होगा। सही है, ग्राउंड के ऊपर। देखिए बेटा, वेट है इसका 10 न्यूटन, हाइट है इसकी 10 मीटर, और वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाते हैं जो पिछली वीक हुआ है फ्राइडे के दिन। उसमें आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर जो है वो आप लोगों को क्या बताया था के लॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या इन अदर वर्ड्स लॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जैसे जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट की बात हो रही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक हाइट की तरफ जा रहा है, या फिर वो ऑब्जेक्ट उस हाइट से नीचे आ रहा है, या तो वो हाइट पे जा रहा है या फिर वो हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों ही केसेस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अगर हाइट की तरफ जा रहा होगा तो उसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। और अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे आ रहा है, सही है, यानी कि वो हाइट पर था, किसी ने उसको नीचे ड्रॉप कर दिया, अब अगर वो हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कि जैसे जैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होती रहेगी। सही है, तो यहां पर क्या है, दूसरा केस है कि एक ऑब्जेक्ट एक हाइट पर था और हाइट से नीचे उसको किसी ने ड्रॉप किया है, तो अब जब वो नीचे ड्रॉप किया है तो इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सही है, तो आपको उस लिहाज से उसकी वेलोसिटी पता करनी है। वेलोसिटी पता करने से पहले उस ऑब्जेक्ट का आप लोग मास पता कर लें, ठीक है? वेलोसिटी पता करने से पहले उस ऑब्जेक्ट का जो है वो आप लोग मास पता कर लेंगे। तो बेटा देखें, वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, एम जी के। वेट आपका है 10 न्यूटन, मास आपका एज इट इज आएगा, और ग्रेविटी क्या है, 10। सही है, ग्रेविटी हमने राउंड ऑफ करके 10 रख ली, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8, 9.8 को हमने राउंड ऑफ किया तो 10 हो गया। अब 10 डिवाइडेड बाय 10, तो आपने तो दोनों को डिवाइड किया, मास आपका आ गया 1 kg।
अब जब मास आ गया तो हमें सुमेरिकल के को देखकर उसकी नेचर का अंदाजा हो रहा है कि इस पे क्या लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जो होगी वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसी बात को थोड़ा सा उन्होंने और घुमाकर बोला हुआ है कि यानी ये समझ लें आप कि अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस हो रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर गेन हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, डब्ल्यू डॉट एच। सही है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच, बट ये जो एम जी होता है जिस पर सर्कल है आपका वो एम जी खुद किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के। यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है कि एम जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो एम जी की जगह पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, और एच की जगह पर क्या आ जाएगा, हाइट एज इट इज आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखें बेटा डब्ल्यू और एच यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे पहले तो ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बल्कि इसको कैंसिल ना करवाइएगा आप, यहाँ पर डब्ल्यू है आपका। अब आप सिंपल अपनी क्या करें, वैल्यूज को पुट कर दें, डब्ल्यू की जगह आपका आ गया 10, हाइट की जगह आपका आ गया 10, क्योंकि वेट और हाइट दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू ये 1/2 है मल्टीप्लाई बाय मास की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि मास आप लोग ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो मास की जगह आपका आ गया 1 और साथ में क्या आ गया वी स्क्वायर। अब देखें बेटा यहां पर 10 से क्या होगा 100 और यहां पर 2 डिवाइड हो रहा है, तो जब भी कोई चीज डिवाइड से ऑपोजिट साइड पर शिफ्ट होती है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर। अब उसके बाद ये हो गया आपका 200, वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 200। अब आपको इसको जो है वो सिंपल वैल्यू में लिखना है, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आना है क्योंकि आपके आपको वी की वैल्यू चाहिए जबकि यहाँ पर किसकी वैल्यू आ रही है, वी स्क्वायर की। तो बेटा अगर जब किसी का भी स्क्वायर खत्म करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी की जगह पर वी के साथ आप जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जो कि आप लोग मैथ्स में पढ़ते भी हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो वी इज इक्वल टू किसके पास बराबर आया, अंडर रूट 200। और ये जो अंडर रूट 200 है आपका, इसका जब आप लोग कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 4.14, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 4.14 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो इसमें बेटा बताएं कोई प्रॉब्लम है, समीरा और ईमान? सर यहाँ पर जो हमने वैल्यूज पुट की हैं, जी जी, इस ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज मल्टीप्लाई बाय एम वी 2 क्यों आ रहा है सर, एम तो 1 है ना। हाँ बेटा ये मिसप्रिंट है, सही है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, तो एम को आप लोग कट करेंगे, ठीक है, सिर्फ वी स्क्वायर आएगा, ठीक है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम, ओके सर, गुड। अब बेटा मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल दे रहा हूँ ताकि पता लगे आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है बहुत। हाउ मच वर्क इज डन, सॉरी 3 लिख दिया, 8.1 का न्यूमेरिकल है। बुक्स हैं आप लोगों के पास बेटा अभी? नो सर। अच्छा नो सर, चले फिर मैं लिख देता हूँ ये। Thank you.
देखिए बेटा ये आप लोगों का टोटल न्यूमेरिकल है. हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजेंटली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स 200 न्यूटन हुज एंगल इज 30. ठीक है, कि कितनी फोर्स लगेगी, कितना वर्क डन होगा जब एक बॉडी है जो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है फोर्स लगाने पर. फोर्स लगाने पर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या किया है 40 मीटर का, और फोर्स उसने कितनी लगाई है, वो लगाई है आपकी 200 न्यूटन की, और जिसका एंगल क्या है 30 डिग्री. सही है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा इसके ऊपर? सर ये क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन करें. देखें, एक आपको सबसे पहले तो अपना क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन. सही है, सबसे पहले जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो आपकी वर्क डन है. अब बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 40 मीटर. डिस्प्लेस होना किसको कहते हैं बेटा, ये आप लोग चैप्टर 3, 4, 5, 6 सब सब में पढ़ते हुए आ रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट होती है? डी से, एस से. तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 40 मीटर. दूसरी चीज आपको क्या फाइंड करने को, और दूसरी चीज क्या गिवन है, फोर्स. फोर्स, और फोर्स कितनी है आपकी 200 न्यूटन. 200 न्यूटन. और थर्ड वन जो है वो आपके पास क्या है, एंगल. सही है, तो एंगल आप लोगों के पास जो है वो टीटा आपके पास आ जाएगा. एक मिनट, इससे रिप्रेजेंट कर लें आप फाइव को. ठीक है, ये भी एंगल है आपका और वो क्या है आपका 30 डिग्री. ठीक है, अब आप लोग इसके ऊपर जो है वो कौन सी वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्स का जी. तो सर पोटेंशियल जी, पोटेंशियल एनर्जी का बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वाला तो इसमें डेटा ही नहीं है. और पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा वो एनर्जी होती है जब एक बॉडी किसी हाइट पर जा रही हो या हाइट से नीचे आ रही हो. अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो तो होता है एम जी एच के बराबर. अब ना तो यहाँ पर मास है हमारे पास, ना तो हमारे पास एच है. चलें ग्रेविटी तो आप खुद पुट कर लेते हैं, बट ना तो आपके पास मास है ना आपके पास क्या है, एच है. तो आप पोटेंशियल का नहीं लगा सकते. सोचें कौन सा लगाएंगे. बहुत सिंपल सा फार्मूला जो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा. हाँ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, एम ए. हाँ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए. नहीं बेटा, इस एम उसके लिए मास यानी कि एम वो भी गिवन नहीं है, और दूसरा एंगल भी गिवन नहीं है. एंगल तो गिवन है ना, सॉरी ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है. बेटा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ एस कॉस और टीटा. जी बेटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर. तो अब तो बेटा पुट कर सकते हैं आप लोग, वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें. सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस का क्या होगा?
कैलकुलेटर नहीं है आपके पास? है है। तो बेटा उससे cos 30 डिग्री निकालें, कैसे निकलेगा? जी ईमान, आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा। सर आंसर 6928 आ रहा है। सही है, ठीक है। तो बेटा बस फार्मूले आप लोगों ने अभी तक याद नहीं किए हैं, ये सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं, इनको याद कर लें, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 6928, और इसका यूनिट क्या होगा वर्क डन का? बेटा वर्क डन का यूनिट क्या होता है? पर पता नहीं। बेटा पूरा चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, यूनिट भी याद नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसके बाद आप लोग कुछ इस क्लास के बाद कुछ काम वाम नहीं करते, कॉपी में उतार रहे हैं सारा काम आप लोग, जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर रहे यस सर, हैं, तो फिर भी जो आप आप समझाते हो। कॉपी में उतार रहे हैं ना? क्योंकि बेटा जरा सा सीरियस होकर पढ़े, क्योंकि आपके स्कूल स्कूल का तो पता नहीं कब खुलेंगे, तो आपको यहीं पर ही पढ़ना है, जो भी पढ़ना है कोचिंग से बंद है तो ठीक है। बेटा ये न्यूमेरिकल है आपका, सही है, और इसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है वो सॉल्व करना है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.2 का, और न्यूमेरिकल है आपका व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स अ 1000 kg ऑटोमोबाइल एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसका डेटा मुझे जरा आप लोग बताएं, सही है, इसका जो डेटा होगा वो आप लोग मुझे बनाकर दें, जरा एक्सप्लेन करें क्या चीज फाइंड आउट करने को बोली है, क्या क्या चीजें आप लोगों के पास गिवन है। हरी अप सर, इंजन की पावर मालूम करनी है। यानी कि पहला सिंबल क्या आएगा? ई पी। गुड।
बस यही देखना था, पावर का सिंबल याद है या नहीं। चले पहला हो गया आपका, पावर फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज क्या थी गिवन है? पुल्स गिवन है, फोर्स। पुल्स पुल्स, पुल्स तो कोई चीज ही नहीं होती बेटा। डेट पुल्स आ 100 kg ऑटोमोबाइल, तो यानी 1000 kg। केजी किसका यूनिट होता है? केजी, केजी किसका यूनिट होता है बेटा? मास। मास आपके पास 1000 kg। और तीसरी चीज क्या दी हुई है? क्या चीज? स्पीड। ठीक है, स्पीड है आपके पास 10 m/s। ठीक है, अब देखें बेटा इसके न्यूमेरिकल में आपके पास फॉर्मूला लग रहा है P इज इक्वल टू, क्योंकि आपको याद होगा नहीं तो इसलिए बता रहा हूं, P इज इक्वल टू F डॉट F मल्टीप्लाई बाय V। पावर का फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू F V। ठीक है, अब देखें F वैसे तो A के बराबर होता है, F इज इक्वल टू एम ए, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, बट यहां पर जो आपका A है वो किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के। सही है, तो आप लोग फार्मूला लगा देंगे P इज इक्वल टू, पहले तो आपने F की जगह पर क्या लगाया, एम ए, और फिर आपके पास क्या आ गया, V, एम ए वी। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू एम ए वी, बट यहां पर सिंस, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पुल हो रही है, इंजन जो है वो पुल हो रहा है ऑटोमोबाइल का, और स्टेडी स्पीड उसकी क्या है, 10 m/s, यानी सीधा आपका ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो यहां पर आपके पास ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के। सही है, तो सेंस एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए वी, और ए आपका बराबर हो गया जी के, तो यहां पर पी किसके बराबर हो गया आपका, एम मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय वी। सही है, तो टोटल फॉर्मूला आपका क्या बना, P इज इक्वल टू एम जी और V। इसके बाद कर लेंगे बेटा आगे सॉल्व, अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यस सर, गुड, तो बस इसको फिर आगे सॉल्व कर लिएगा, कल इंशाल्लाह फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।